हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल मॉम। और जैसा कि हमें पता है विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी क्योंकि विंटर स्टार्ट हुए हैं तो बहुत फ्लक्चुएटिंग वेदर है। कभी थोड़ा गर्मी है, कभी थोड़ी ठंड है, क्योंकि फैंस भी ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। तो मॉर्निंग और नाइट में काफ़ी ठंडा है, बट डे टाइम में थोड़ा बहुत फ़ैन की ज़रूरत भी हो रही है। इस टाइम जो बच्चे होते हैं उनको कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसे हम हिंदी में सर्द गर्म कहते हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि किसी ड्यूरेशन में आप एसी या फ़ैन चला रहे हो और किसी ड्यूरेशन में कुछ भी नहीं चला रहे हो। 99% एसी तो ऑफ ही हो गए हैं, बट हाँ, फ़ैन्स अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जो आप घर पे ईज़िली बना सकते हो और उनको अपने बच्चों को दे सकते हो। अगर बच्चों को कॉफ़ एंड कोल्ड अभी प्रेजेंटली है आप तो भी दे सकते हो, और अगर नहीं है तो प्रिकॉशनरी अभी या वेदर सेटल होने के बाद भी दे सकते हो। बट ज़्यादा जो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है वो चेंजिंग वेदर में ज़्यादा आती है। जब वेदर सेटल्ड होता है तब हम इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो कोई भी टिप आपसे शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं आपको इसमें रेसिपीज़ बताऊंगी या जो भी रेमेडीज़ बताऊंगी, अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ का कोई डाउट हो तो आप पहले अपने फिजिशियन से डिस्कस करें, उनकी गाइडेंस में ही कोई चीज़ बना के अपने बच्चों को दें। क्योंकि भले ही ये बहुत नेचुरल और होम रेमेडीज़ हैं, बट स्टिल कुछ बच्चे होते हैं जो फिर भी चीज़ों से एलर्जिक होते हैं या उनको सूट नहीं करती है। पहली चीज़ है वो है होममेड मस्टर्ड ऑयल। इसको मैं होममेड मस्टर्ड ऑयल इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं, अजवाइन और लहसुन या कैरम सीड्स, और आप गार्लिक भी कह सकते हो। तो ये जो होता है करता क्या है बॉडी में, अगर आप बच्चे को कफ एंड कोल्ड में इसको देते हो तो जैसा कि हम सबको पता है कि मस्टर्ड ऑयल गर्म होता है, गार्लिक भी गर्म होता है और अजवाइन भी, जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है। तो अगर आपको बच्चे को आप कोल्ड एंड कफ में दोगे जब उसकी छाती में सारा म्यूकस भरा हुआ होता है या पूरा नोज़ ब्लॉक होता है, तो उसमें ये क्या करता है, ये बेसिकली अंदर म्यूकस को मेल्ट करता है और इंस्टेंट रिलीफ देता है। जितना भी जो अंदर ब्लॉकेज होता है उसको रिलीफ करने में बहुत हेल्प करता है और एकदम से बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ देता है। इसको आप हल्का सा चेस्ट पे रब कर सकते हो, बच्चे की बैक पे जो पाम होते हैं वो, या फीट पे रब कर सकते हो और इसको कवर कर सकते हो फॉर 10-15 मिनट्स के लिए, ताकि जितनी भी जो आपने ऑयल बनाया है उसकी जो हीट है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो और बॉडी को अंदर से म्यूकस को मेल्ट करे। बट हाँ, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये ऑयल आप जब भी लगाते हैं ऐसा नहीं सोचना है कि ज़्यादा लगा दोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। इसको आप दिन में दो बार लगा सकते हो, और जब आप लगा रहे हो तो भी, जैसे अगर आप बच्चे की चेस्ट पे लगा रहे हो, बच्चा एक साल का है या छः महीने का है या डेढ़ साल का है, तो हार्डली 3-4 ड्रॉप्स लेकर आपको बस रब करना है यहाँ पे, जैसे हम विक्स वेपोरब लगाते हैं उस टाइप से रब करना है। अब देखना है कि इसको हम बनाएंगे कैसे। आपको 2-3 स्पूंस ऑफ ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल 2-3 ले सकते हो, या आप 3-4 स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल लो। उसको किसी आप छोटे से जो हमारा फ्राई पैन होते हैं छोटे छोटे, उसमें किसी भी बर्तन में रखकर उसको आप गैस पे बॉईल करिए जब तक वो बिल्कुल गर्म नहीं हो जाता है। जब उसमें से बिल्कुल स्टीम उठने लगती है, बिल्कुल तेल गर्म हो जाता है, तो आप गैस को ऑफ करके 1 या 2 क्लोव ऑफ गार्लिक, 1-2 जो कलियाँ होती हैं लहसुन की, वो लेकर उसमें डाल दीजिए, या आप कट करके चॉप करके भी डाल सकते हो। और 5-10 ऑफ कैरम सीड्स, मतलब अजवाइन के जो दाने हैं वो 10-15 आपको लेने हैं और वो उसमें डाल देना है। मस्टर्ड ऑयल जब बहुत तेज़ गर्म होता है तो जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें डालोगे एकदम से उसमें बर्न हो जाएंगी, और उसके बाद आपको दोबारा गैस को ऑन करके 30 सेकेंड से 1 मिनट तक उसको वहाँ पे थोड़ा स्पून से आप हिला सकते हो कि ताकि वो जले ना जो लहसुन वगैरह है। बस हार्डली 30 सेकेंड्स आपको उसको गैस पे रखना है और गैस ऑफ कर देनी है। उसको तेल को ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद आप उसको चाहो तो स्ट्रेन कर लो और चाहो तो ऐसे ही बॉटल में रख सकते हो, ग्लास की बॉटल में रख सकते हो उसको, या प्लास्टिक बॉटल में ठंडा होने के बाद। और ये ऑयल आई थिंक आपका 3-4 दिन आराम से चल जाएगा। आप चाहो तो उसको 1 वीक के लिए भी बना सकते हो, तो क्वांटिटी आप उसके हिसाब से कर लो। 4 जो बड़ी स्पून होती हैं, खाने वाली स्पून होती हैं, उस 4 स्पून मस्टर्ड ऑयल में 5-10 कैरम सीड्स डाले हैं और 1-2 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जितना स्टोर करके रखना है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बट मैं बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं बनाती हूँ, मैं तो 2-3 दिन का ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर आप फ्रेश बना सकते हो, सब कुछ घर में होता ही है। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड चीज़ पे। तो सेकंड चीज़ है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हनी।
हनी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कोल्ड एंड कफ को रिलीव करने में, या बच्चों को वैसे भी बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, पर यहाँ पे हम हनी को ल्यूक वार्म वाटर के साथ देंगे। आपको थोड़ा 3-4 चम्मच पानी गर्म करना है, उसमें आपको 2-3 ड्रॉप, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं लाइक 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे हैं तो हार्डली 1/4 स्पून या आप कह सकते हो 3-4 बूंद शहद की डालनी है, और वो 1-2 चम्मच पानी बच्चे को पिला देना है। अगर बच्चे 2-2.5 साल के हैं तो आप आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हो 3-4 स्पून पानी में, और जब आप गर्म पानी पानी गर्म करके गैस ऑफ करके उसमें शहद डालते हो तो पानी ऑटोमेटिकली ल्यूक वॉर्म पे आ जाता है, निवाया हो जाता है, और उसी टाइम आपको बच्चे को दे देना है। ये आप स्टोर नहीं कर सकते हो, जब बनाओगे तभी आपको बच्चे को पिलाना है। दिन में 2-3 बार भी पिला सकते हो अगर बच्चा बहुत कफिंग कर रहा है। ये बच्चे को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, और जो नेक में बच्चे के खराश हो जाती है, गले में, थ्रोट में, सॉरी नेक में नहीं, थ्रोट में जो खराश हो जाती है या जो दर्द हो रहा होता है उसको भी बहुत रिलीफ करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, वो है तुलसी और जिंजर। तुलसी जिंजर का भी सेम मेथड है, आपको तुलसी और हल्का सा अदरक आपको पानी में पहले उबालना है। आप आधी कटोरी पानी ले सकते हो, 1 कटोरी पानी ले सकते हो, उसमें उबाल के उसको जब उसके कंटेंट्स, उसका फ्लेवर पानी में आ जाए तो आपको बंद कर देना है, और उसके बाद स्ट्रेन करके आपको उसके पानी थोड़ा सा लेकर उसमें शहद मिक्स करके बच्चे को दे देना है। बाकी पानी आप रख सकते हो, बच्चे को वही पिला सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुलसी और जो अदरक है वो गर्म होता है, तो इसलिए आप चाहो तो बहुत छोटे बच्चे को अवॉइड कर सकते हो, उसको आप शहद और पानी ही दे सकते हो। उस जो हमारी चौथी चीज़ है वो ये है कि आपको बच्चे की डाइट में, जो बच्चा रेगुलर डाइट ले रहा है उसमें आप गार्लिक, जिंजर, ये दोनों चीज़ें, और टर्मरिक जो हल्दी की गांठ आती है, जो सब्ज़ी वाली हल्दी आती है वो, या अदरक और गार्लिक, या बच्चे के खाने में भी हल्का फुल्का विंटर्स में और अभी ऐड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बॉडी को गर्म रखता है। ज़्यादा नहीं देना है, बहुत हल्का हल्का, कि हाँ उसका थोड़ा इंग्रेडिएंट बच्चे की बॉडी में जाता रहे आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो नेचुरल हल्दी होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आप घर में जो हल्दी, स्पाइसेस वाली हल्दी आती है उसकी जगह आप बच्चे को वो नेचुरल हल्दी भी दे सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है हाइड्रेशन। आपको बच्चे को पानी बहुत ज़्यादा पिलाना है, सर्दियों में प्यास नहीं लगती है इसीलिए आपको बच्चे को स्पेशली पानी पिलाना है। अब आप 1 लीटर की बॉटल उनके लिए अलग भर के रख लो कि उनको आपको पानी थोड़ा 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 पिलाते रहना है, ताकि पता चल जाए कि उन्होंने सफिशेंट पानी पिया है या नहीं पिया। अगर पानी बच्चे नहीं पी रहे हैं तो आप उनको वार्म सूप दे दो, या कोई और कोई वार्म ड्रिंक बना के दे दो, गर्म दूध दे दो, या हल्दी का दूध दे दो, क्योंकि हल्दी का दूध अगेन एक अलग से ही अपने आप में बहुत अच्छा रहता है, हल्दी गर्म होती है। तो आप बच्चों को रात को हल्का सा दूध में हल्दी डाल के भी दे सकते हो, जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं उन्हें आप आराम से हल्दी वाला दूध दे सकते हो। ये सब थी हमारी होम रेमेडीज़, और एक लास्ट में कुछ चीज़ें और जो होम रेमेडीज़ नहीं हैं बट आप घर पे बहुत इजीली उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे आप बच्चे को घर पे स्टीम दे सकते हो, स्टीमर आप हमेशा अपने पास हैंडी रखिए, कि बच्चे को कभी भी कोल्ड एंड कफ़े आप स्टीम दे दो, नेबुलाइज़र से ज़्यादा बेटर है। नेबुलाइज़र तब देते हैं जब कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट अदरवाइज़ आप स्टीम रेगुलर बेसिस पे दो, उसको कोल्ड एंड कफ है या नहीं है, अभी जैसा वेदर है उसमें आप 1 टाइम 2 टाइम स्टीम दे दो, कोई नुकसान नहीं करता है। आप उसको बेबी वैक्स लगा सकते हो, बच्चे को बेबी वैक्स आजकल जो पिंक वाला आता है वो बहुत अच्छा रहता है बेबीज़ के लिए, या नोज़ ब्लॉक है तो आप नीज़ोक्लेयर भी दे सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप आप लोगों को ये टिप्स और रेमेडीज़ पसंद आए होंगे, आप इनको फॉलो ज़रूर करिए। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करिए, उसके बाद बच्चे को वो चीज़ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक इट, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा कोई अगला वीडियो आए तो आप सबसे पहले देखें, और फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बाय फॉर नाउ।